इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में नंबरों की लूट सील। मुल्तान और बहावलपुर में एक दो नहीं बल्कि 60 बच्चे फर्स्ट आ गए। मुल्तान में 48 और बहावलपुर में 12 तलबा और तालिबात के 1100 में से 1100 नंबर। 7265 तलबा ने 1000 से ज्यादा नंबर हासिल किए। बहावलपुर में 19000 बच्चों को 33% नंबर देकर पास किया गया। मुल्तान और बहावलपुर में कामयाबी का तनासब तकरीबन 99% रिकॉर्ड। डीडी खान में 61812 में से 61067 तलबा और तालिबात पास हुए। कोरोना से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन। मुल्तान डिवीजन जनूबी पंजाब में पहले नंबर पर। डिवीजन की 52% आबादी को पहली वैक्सीनेशन डोज लगा दी गई। 22% आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन कर दी गई। कमिश्नर मुल्तान का जल्द हदफ मुकम्मल करने का आज़्म। वैक्सीन लगवाएंगे तो कोरोना से बचेंगे। जनूबी पंजाब में तलबा की कोरोना वैक्सीनेशन जारी। खानाबाद में महकमा एजुकेशन का 80% हदफ मुकम्मल कर लिया गया। लेहिया के 91 स्कूलों की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। उधर रहीमिया खान में 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन। तलबा ने वैक्सीनेशन करवाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वैक्सीन लगवा ली है पहली डोज। बहुत वैक्सीन अच्छी है और हुकूमत ने हमें बहुत अच्छी सहूलत दी है। हमने पहली डोज लगवा ली है और दूसरी डोज हमें 21 दिन के बाद लगेगी। वैक्सीन लग रही है तो अच्छी बात है। सब वालदैन से अर्ज है कि आए अपने बच्चों को वैक्सीन लगाएं कि हमारे स्कूल तो बंद नहीं होंगे। आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कम्प्लीट हो गई है। टीम दो हफ्तों से आ रही है और अगले 21 दिनों बाद हमें सेकेंड डोज लगेगी। डीडी खान में तलबा की वैक्सीनेशन का अमल तातुल का शिकार। शहर में फाइजर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। महकमा सेहत ने मजीद 50,000 वैक्सीनेशन खुराकें मांग ली। जी, फर्स्ट डोज हमारे स्कूल में लगा के गए थे फाइजर की। अब डीजी खान में शॉर्टेज की वजह से हमारे स्कूल में वो वापस दोबारा नहीं आए, तो हम ये गवर्नमेंट पंजाब से इल्तमास करते हैं कि वो हमारे स्कूल में दोबारा आए। पहले टीम आ रही थी, अब नहीं आ रही। डीजी खान में शॉर्टेज है वैक्सीन की, तो इल्तमास करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी दोबारा टीम भेजें। डेंगू के डंक तेज हो गए। मुल्तान में 24 घंटों के दौरान 12 नए मरीज दाखिल। निश्चर अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की तादाद 24 हो गई। उधर बहावलपुर में डेंगू के 5 नए मरीज रिपोर्ट। जेर इलाज मरीजों की तादाद 12 हो गई। हॉटस्पॉट इलाकों में डेंगू सर्विलेंस तेज की जाए। कमिश्नर मुल्तान का डेंगू मकाव मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का हुक्म। शहरियों को डेंगू से बचाव और तदारुक बारे आगाही देने की हिदायत। सानहा सादकाबाद माही चौक जाम बहक होने वाले 9 अफराद की खौफ के साय में रस्म कुल। जाम बहक अफराद के लिए दुआएं मगफरत की गई। पुलिस और एलीट फोर्स सिक्योरिटी पर मामूर। बख्तरबंद गाड़ी का पेट्रोल पंप के इतराफ में गश्त। जनूबी पंजाब में 6 सेक्रेटरीज की तैनाती ना हो सकी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की रूही से गुफ्तगू। कहा कि सेक्रेटरीज की तैनाती का मामला जेरे गौर है। आइंदा हफ्ते में मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। मरहला वार सेक्रेटरीज की तैनाती की यकीन दहानी। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटर बैंक में 7 पैसे महंगा। 171.20 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की बढ़ती कीमतों ने ताजरों में खलबली मचा दी। कारोबारी शख्सियात डॉलर की ऊंची उड़ान से परेशान। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि डॉलर रेट्स बढ़ना बहुत बड़ा मसला है। हमारे मुल्क में दरामद ज्यादा जबकि बरामद कम है। गरीब की बेटी का जहेज डाकू ले गए। खानेवाल बट्टूवाली छाल में डकैती की वारदात। 5 मुसल्ला डाकू अहले खाना को यरखमाल बनाकर तलाई जेवरात नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार। रिश्वत सतानी के खिलाफ एंटी करप्शन का क्रैकडाउन। एंटी करप्शन बहावलपुर का स्पेशल मजिस्ट्रेट के हमरा छापा। डिप्टी डायरेक्टर महकमा सोशल सिक्योरिटी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। क्राइम के खिलाफ जंग में मुल्तान पुलिस ने अहम किरदार अदा किया। सीपीओ मुल्तान को पुलिस लाइन दरबार से खिताब। कहा कि संगीन जराइम में अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फरमाई। शुदाबाज ज्यादती केस इकबराय तावान केसेस में बर वक्त कार्रवाई की गई। नवाबों के शहर की अस्पताल इंतजामिया भी नवाब बहावल। विक्टोरिया अस्पताल की MRI मशीन 25 रोज से खराब। अस्पताल इंतजामिया मशीन की खराबी दूर करने में नाकाम। रेडियोलॉजी वार्ड के मरीज महंगे दामों MRI करवाने पर मजबूर। मरीजों का वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा।
में किसान कन्वेंशन के दौरान काश्तकार सरापा एहतजाज, लिफ्ट इरीगेशन स्कीम पानी खेल की बंदिश पर नारेबाजी। कहते हैं तीन माह से काश्तकारों को पानी मुयसर नहीं, कपास की फसल तबाह हो चुकी, अब गंदम की फसल भी बर्बाद हो जाएगी। लिफ्ट इरीगेशन को ना चलाने पर रोड ब्लॉक करने की धमकी। मुल्तान रेलवे जिद्दती मनाजिल ना तय कर सका, सामान की तरसील के दौरान मजदूरों की जानें खतरे में। वॉशिंग लाइन में काम के दौरान हादसा, जदीद लिफ्टिंग सिस्टम ना होने की वजह से एक शख्स जख्मी। रेलवे का पहिया वक्त की पाबंदी भूल गया, मुल्तान आने वाली बेशतर गाड़ियां ताखीर का शिकार। जकरिया, तेजगाम, अवाम एक्सप्रेस, पाकिस्तान कराची, कराक्रम, शालीमार और लामिकमाल एक्सप्रेस हस्बे मामूल लेट। अपनी मंजिलों पर जाने वाले मुसाफिर परेशानी का शिकार, उधर शहजादाबाद में महंगे दामों टिकटें फरोख्त करने पर मुकदमा दर्ज। नवल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में जहनी सेहत बारे आगाही वॉक, असातिज़ा और तलबा की खसूसी शिरकत, जहनी सेहत बारे शुरका ने आगाही दी। वाली दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत का महीना रहीमिया खान जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब। ख्वाजा सराओं को डिप्टी कमिश्नर ने राशन तकसीम किया, तलबा माँ बहन तकरीरी मुकाबला जात भी करवाए गए। दीदी खान में अशराए शान रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मुकाबला हुस्न किरत और नात हुआ, तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। रूह परवर मुकाबलों ने शुरका पर सहर तारी कर दिया। सुन्नी तहरीक रहीम यार खान के ज़ेर एहतमाम माह आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम-उल-शान रैली, सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की भरपूर शिरकत। फिजा आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारों से गूंज उठी। और सफ़ेद छड़ी बारे आगाही का आलमी दिन, बिनाई से महरूम अफराद की सफ़ेद छड़ी बारे आगाही रैली, जिला भर से बिनाई से महरूम अफराद की शिरकत। उधर जामपुर में भी स्पेशल बच्चों के एजाज में तकरीब, खसूसी बच्चों में सफ़ेद छड़ी और राशन तकसीम किया गया।